सर कैसी थी मूवी? ठीक फिल्म है सर, एक एवरेज फिल्म कहूंगा। अगर आप चाहे तो एंजॉय कर सकते, एक लाइट टाइप की फिल्म है। हालांकि देखिए फिल्म में वो जंगल वगैरह का बताया है कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो मतलब ओवरऑल अगर कहानी पर जाए, मतलब मैं स्पॉइलर कहानी से रिलेटेड वैसा नहीं दूंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जंगल वंगल को काटने को लेकर है। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे जंगल काटते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का कैरेक्टर कर रहे हैं वरुण धवन यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और इन जगह, मतलब वो थोड़ा बताया उस प्रकार का। आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, मैं बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। बाकी आप इन्जॉय कर सकते हैं, कॉमेडी वगैरह ठीक ठाक है, थोड़ी और मैं समझता हूँ बेहतर होती तो यार मज़ा आता। दीपक डोबरियाल का काम अच्छा, उन्होंने काफ़ी हद तक संभाला कॉमेडी के सीन्स को काफ़ी बढ़िया ढंग से। वरुण धवन का काम भी ठीक ही है, तो मैं ठीक ही बोलूँगा, मुझे ऐसा कुछ खास मुझे पर्सनली नहीं लगा, शायद बाकी और लोगों की बात अलग हो सकती है। ओवरऑल मैं ऐसे कहूँगा तो वो बुरी भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक फिल्म में देखी जा सकती है। पांच में से कितने स्टार देंगे? पांच में से स्टार की बात करूँ तो मैं तकरीबन 5 स्टार ही दूंगा मैं फिल्म को, एवरेज सी फिल्म है। बाकी देख सकते कॉमेडी वगैरह, हॉरर का भी थोड़ा सा इफेक्ट है, VFX इन फिल्म के काफ़ी अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, गाने वगैरह तो मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है। बाकी राजकुमार राव का कैमियो देखने को मिल जाएगा आपको स्क्रीन वाले, तो मजा आएगा, आप देख सकते हैं। फैमिली ऑडियंस देख सकती है फिल्म को? देखिए फैमिली ऑडियंस की बात करूँ तो बिल्कुल देखी तो जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि देखिए वो कनेक्टेड है, जब हम सभी जानते हैं रूही और स्त्री और इनसे कनेक्टेड, लेकिन स्त्री के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, स्त्री तो फार बेटर फिल्म थी, लेकिन हाँ वो रूही जो आई थी उसके मुकाबले तो काफ़ी बेहतर है, आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत ऐसी अच्छी फिल्म नहीं लगी। हालांकि आपको अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव दोनों का ही कैमियो देखने को मिल जाएगा, अब वो कहाँ और कैसे आता है, क्या सिचुएशन में आता है, क्या होता है, वो आप फिल्म जाके देखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए मैंने आपको।